मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी, भारत माता की जय, मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हमेशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कुढ़नी उपचुनाव का नतीजा आ चुका है जिसका इंतजार सबको था, अब सबके सामने है। महागठबंधन की हार हुई है। बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता कुढ़नी उपचुनाव में जीत हासिल किया है। इस पर महागठबंधन की ओर से वरिष्ठ नेता आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक का बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की है और उन्होंने कहा है कि इससे हार की समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ हम के प्रवक्ता दैनिक सिजवान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी इस हार को स्वीकार किया है और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सहाबुद्दीन के परिवार को किनारा करना हमें महंगा पड़ रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रजक, पहले आप वो सुने। क्या कहें, पुणे में बीजेपी जीता है, आपकी हार हुई है। सबसे पहले तो वहाँ की जनता को बधाई, उन्होंने जो खर्चा दिया उसको हम स्वीकार करते हैं और हम लोगों की समीक्षा करने की ज़रूरत है। समीक्षा करने के बाद इस निश्चित निर्णय पर आएंगे, क्योंकि जो हम लोगों का हम लोग जो घूम रहे थे उसमें वोट और लोगों के जो दिलो दिमाग थे वो हमारे पक्ष में था और सब लोगों में उल्लास था, लोगों में ज्वाला जग रही थी बीजेपी के खिलाफ। इसके बावजूद उनकी जीत हुई है, हम लोकतंत्र में जीत को स्वागत करते हैं, लेकिन हार की हम समीक्षा भी करेंगे और हम लोग बैठ कर करके पूरी समीक्षा करेंगे, हर एक बूथ वाई, हर एक गांव वाई, और उसके बाद हम लोग नए निर्णय लेंगे और आगे कैसे धारदार ढंग से हम इसको जीत को सुनिश्चित में ले जाए, इस चीज़ पर चर्चा करें। लेकिन जिस ढंग से मुख्यमंत्री और तेजस्वी दोनों मिलकर प्रचार धुआंधार किए, यहाँ लगता है कि नकारा है लोगों ने। नहीं नहीं, इसको हम नकारे की बात नहीं कहेंगे, ये नकारे की बात नहीं है। उनको 76,000 वोट आया है, इसके पहले चुनाव में हमको 77,000 वोट आया था, 1,000 वोट और हमको उनको आया था 76,000। उन 76,000 पर कायम है, हमारा 77 था, अभी आया 74,000 पर, 2,000 की कमी हुई है। ये समीक्षा करने की जरूरत है, नकारने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं 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 वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फर्क नहीं पड़ता। तब तो आप कहेंगे कि संजय सहनी को आया 4,000 वोट, उसका मुकेश सहनी को आया 8,000 वोट, उसके बाद शेखर सहनी को आया 3,000 वोट, तो 8, 3, 11 और 4, 17, ये भी तो हमारा ही वोट था। लेकिन इसको हम उस ढंग से नहीं लेते हैं, हम जनता के फैसले का स्वीकार करते हैं और हम समीक्षा करेंगे, गहन समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके क्योंकि जो सेनानी होता है, हम जनता के सवालों को लड़ रहे हैं और जनता को अगर किसी तरह से हम कन्विंस कर पाए कि नहीं कर पाए, इस बात की समीक्षा होगी और हम और मजबूती के साथ जनता के बीच जाएंगे। इसको हम उस रूप में नहीं लेते हैं। कहा जा रहा था गठबंधन का ये लिटमस टेस्ट था, ये नहीं, ठीक है लिटमस था, लेकिन हम धत रहे कि हम समीक्षा करेंगे, कहाँ पर हमसे चूक हुई है, कहाँ पर हम जनता तक पहुँच पाए कि नहीं पहुँच पाए, कहाँ पर हमारा सारे चीज़ों को हर बिंदुओं पर समीक्षा करिए, समीक्षा करने के बाद हम आगे का निर्णय लेंगे। देखिए, कुढ़नी की हार निसंदेह हमारे लिए खतरनाक संदेश है। शहाबुद्दीन साहब के परिवार को दरकिनार करना हमारे लिए महंगा पड़ा है। साथ ही उसी वक्त जो ताड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया उसका भी खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा है। देखिए, अब वक्त आ गया है कि हम चेत जाएं, जल्द ही महागठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लें और तमाम गठबंधन में जो शामिल दल हैं उनको बराबरी का हक दें, नहीं तो स्थिति और भी भयावह होगी। तो आपने सुना श्याम रजक क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने स्वीकार की है इस हार को, वो उन्होंने कहा है कि जनता के बीच वो जाएंगे और इसकी समीक्षा करेंगे कि आखिर क्या भूल चूक हुई है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।